अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अमाद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुजुकी लियाना 1300 सीसी मैनुअल गाड़ी जो है ये आपको शहर के अंदर क्या फ्यूल एवरेज देती है। इसका हम लाइव टेस्ट भी करेंगे आपके सामने। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी हमने इसको शहर में चलाई और कितनी इसने हमें फ्यूल एवरेज दी पेट्रोल फुल करवाने के बाद। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल राइड है जिसको हमने किया आपको दिखाने के लिए कि सुजुकी लियाना शहर के अंदर क्या फ्यूल एवरेज देती है। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें क्लियर करता जाऊं कि ये जो गाड़ी हमारे पास मौजूद है ये अपने जेन्युइन इंजन के अंदर है। 1300 सीसी इसके अंदर इंजन है और ये मैनुअल गियर वाली गाड़ी है। जो लियाना के अंदर ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी आई थी वो एमिनेंट उसको बोलते हैं, वो 1600 सीसी इंजन के साथ आई थी। तो ये मैनुअल गियर RXi वेरियंट है जो सबसे बेस वेरियंट है और 1300 सीसी इसके अंदर इंजन मौजूद है। इस टाइम ये गाड़ी टोटली पेट्रोल पे चल रही है, CNG हमने बहुत देर पहले उतरवा दी थी। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि शहर के अंदर नॉर्मल स्पीड पे ये क्या फ्यूल एवरेज देती है। तो ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैंने इस गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो बिल्कुल फुल करवाया था, जिसको ऑटो फुल बोलते हैं पेट्रोल पम्प वाले। तो उसको मैंने फुल करवाने के बाद इस गाड़ी को शहर में चलाना शुरू किया और ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर हम लोग इसको शहर में चला चुके हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें क्लियर करता जाऊं कि आई बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी, तो हमारे शहर में जो है एवरेज आपकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम रहती है। ज़्यादातर जो गियर आपका गाड़ी यूज़ करेगी दूसरा गियर होगा। कभी गाड़ी रुक गई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, शहर छोटा है। तो अभी हम जिस रोड पर ड्राइव कर रही हैं तो बड़ी एक आइडियल रोड है शहर की। तो 200 किलोमीटर के अंदर ये रोड भी शामिल है, लेकिन इसके ऊपर भी गाड़ी की स्पीड 40-50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाती और गाड़ी ज़्यादातर तीसरे गियर तक ही जाती है, चौथे में तो बहुत कम है शहर के अंदर अगर चली है। और इसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसके अलावा जो है ज़्यादा हमने विद इन सिटी जो ज़्यादा अंदरून शहर है वहाँ पर भी गाड़ी चलाई जिसमें काफ़ी ज़्यादा रश था। तो इसके बाद एक चीज़ और आप लोगों ने नोट करनी है कि जैसे सर्दियों का मौसम है इस टाइम भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड शो हो रहा है, तो इतना गर्म मौसम नहीं है इसलिए इसका AC कभी चला है कभी नहीं चला। तो ये तकरीबन 200 किलोमीटर हम लोग इसको चला चुके हैं, तो आप समझ लें कि इसके अंदर जो 100 किलोमीटर है वो विद AC यूज़ हुआ है और 100 किलोमीटर जो है वो विदाउट AC यूज़ हुआ है। सुबह टाइम AC की ज़रूरत नहीं होती, तो सुबह टाइम जो है ये बगैर AC के यूज़ हो रही है। सुजुकी लियाना बेसिकली वैसे तो एक काफ़ी अच्छी गाड़ी है, सेडान बड़ी खुली गाड़ी है, इसकी ड्राइव भी काफ़ी अच्छी कम्फर्टेबल है। तो एक अच्छी फैमिली जो एक अच्छे साइज़ की 4-5 लोग इसमें बड़े इजी ट्रैवल कर सकते हैं। थोड़ी सी ये गाड़ी आपको स्लगिश फील होगी 1300 सीसी इंजन के साथ क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी हैवी है, लेकिन पिकअप इसकी ठीक है, पिकअप बुरी नहीं है और इसकी टॉप स्पीड वगैरह भी अच्छी है और AC के लोड के साथ भी गाड़ी की पिकअप पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम जो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद था उसको डिस्कस करते हैं। ये गाड़ी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा सालों से मौजूद है, तकरीबन 11-12 साल होने वाले हैं इस गाड़ी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें मौजूद हैं, लेकिन जो पेट्रोल एवरेज है वो इस गाड़ी की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको ये नॉर्मल किस्म की पेट्रोल एवरेज देगी जो कि आपको टोयोटा क्रोला वगैरह से भी मिलती है। होंडा सिटी की नस्बत इसकी पेट्रोल एवरेज जो है वो कम है। तो वैसे जो मेरा अंदाज़ा है शहर के अंदर ज़्यादातर जो इसकी पेट्रोल एवरेज विद AC आती है वो 8 से लेके 10 किलोमीटर के दरमियान आती है। कभी ये अगर बहुत ज़्यादा अंदरून शहर के अंदर ट्रैवल हो आपका, पहले दूसरे गियर में चलती हो ज़्यादा, तो फिर इसकी फ्यूल एवरेज 8 के ऊपर भी आ जाती है। और अगर आपने कोई अच्छा आपका ट्रैवल हो गया ज़्यादा, आपकी जो है नॉर्मल स्पीड जो है 40-50 पर रही, तो फिर जैसे बड़े शहरों में अगर आप बात करें इस्लामाबाद लाहौर वगैरह में अगर आप इसको ड्राइव करें तो फिर ये 10 की एवरेज बड़े आराम से दे जाती है AC के साथ। लेकिन 10 किलोमीटर से ज़्यादा की फ्यूल एवरेज शहर के अंदर ये गाड़ी नहीं देगी, बहुत कम चांस है कि इससे ज़्यादा फ्यूल एवरेज आपको मिल जाए। लेकिन लॉन्ग के ऊपर इसकी फ्यूल एवरेज कदरे बेहतर है। अगर आप लॉन्ग के ऊपर इसको ड्राइव करें 100 तक की स्पीड पे, 100-110 की स्पीड पे, तो फिर ये फ्यूल एवरेज आपको 15 से भी ऊपर दे जाती है विद AC। लेकिन अगर आप लॉन्ग के ऊपर इसको ड्राइव करेंगे 130-140 की स्पीड पे कांस्टेंट चलाएं जैसे मोटरवे पे आप चलाते हैं, तो फिर आपको फ्यूल एवरेज देगी 12-13-14 के दरमियान विद AC। तो इस गाड़ी के ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या गुड पॉइंट्स हैं और क्या इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं।
एक लो बजट के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास मार्केट में, कम पैसों में आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है सुजुकी लियाना अगर आप लेना चाहें। और ये 2023 का एंड होने वाला दिसंबर का महीना चाह रहा है, तो अभी भी अगर आपके पास 10 लाख का बजट हो तो 10 लाख के बजट में आपको एक अच्छी सुजुकी लियाना मिल सकती है और इतने पैसों में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो हमारे तकरीबन जो टोटल किलोमीटर हम शहर के अंदर ट्रैवल कर चुके हैं, जो आपको लाइव टेस्ट में दिखाना था इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज का शहर में, वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज हम चलेंगे पेट्रोल पंप के ऊपर, तो वहाँ जाके मैं आपको बाकी डिटेल बताऊँगा कि इस गाड़ी ने हमें क्या फ्यूल एवरेज दी शहर के अंदर ड्राइव करने से। तो इस गाड़ी को हम लोगों ने जो टोटल ड्राइव कर लिया है वो 208.3 किलोमीटर हम लोग इसको चला चुके हैं, सारी की सारी ट्रैवलिंग शहर के अंदर हुई है। तो अब हम इसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप देखेंगे टैंकी में जो पेट्रोल डलेगा वो आपके सामने है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले भी मैंने इस गाड़ी को ऑटो फुल करवाया था और अब एंड पे भी मैं इस गाड़ी को ऑटो फुल ही करवाऊँगा ताकि फ्यूल एवरेज जो है वो एग्जैक्ट निकल के आए। गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक है वो काफ़ी बड़ा है, मैं आपको बताता जाऊँ, ये तकरीबन 55 लीटर का पेट्रोल टैंक इसके अंदर मौजूद है। तो अभी ये ऑटो फुल हो चुकी है, 22.7 लीटर जो पेट्रोल है वो इसमें डला है। तो आप लोगों ने किलोमीटर भी देख लिए और उसके बाद जो पेट्रोल इसमें डला है वो भी आपने देख लिया, तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या आई है। तो इस 200 किलोमीटर के टूर के अंदर जो शहर में था सारा, इसने फ्यूल एवरेज दी है 9.2 की, 9.2 किलोमीटर पर लीटर इसने फ्यूल एवरेज दी है। और ये मिक्स थी विद एसी और विदाउट एसी, अगर ये सारा ट्रैवल विद एसी होता तो इसकी जो फ्यूल एवरेज थी वो 8.8 के करीब आनी थी मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो ये थी सुजुकी लियाना की फ्यूल एवरेज विद इन सिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है। गाड़ी का जो साइज़ है और जो इंजन है उसके हिसाब से फ्यूल एवरेज अच्छी है और सारी की सारी ट्रैवलिंग शहर के अंदर थी। और आपको लाइव दिखाने का मकसद भी यही था कि आपको पता लग जाए कि ये गाड़ी क्या फ्यूल एवरेज शहर में दे रही है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।